वक्त लोहरदगा से सहयोगी संदीप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए झारखंड में पहले चरण का चुनाव हो रहा है, देश भर में चौथा चरण चल रहा है, लेकिन झारखंड की बात करें तो आज से लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। लोहरदगा में क्या तस्वीर है? जी, यदि झारखंड की बात करें तो 14 लोकसभा सीटों में से आज 4 लोकसभा सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो गया है। और यदि झारखंड की बात करें तो लोहरदगा, खूंटी, गुम और जो पलामू है और सिंहभूम, इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में आज 7 बजे से वोटिंग प्रारंभ हुई है। और इस वक्त हम लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के इटकी जो उर्दू प्राथमिक विद्यालय कुर्गी है वहाँ पे मौजूद है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो मतदाता हैं सुबह 7 बजे से पहले ही अपने मतदान केंद्रों पे पहुँचे हैं और अपने मत का जो प्रयोग है वह कर रहे हैं। हालांकि यदि लोकतंत्र के इस महापर्व की बात करें तो इसकी यही खासियत है कि इसमें जो मतदाता हैं अपने मत का प्रयोग करते हैं और एक सशक्त सरकार बनाने में अपनी जो अधिकार है उसका प्रयोग करते हैं। हालाँकि यदि झारखंड की बात करें तो पिछले 2-4 दिनों से यहाँ का मौसम भी काफी खुशनुमा बन चुका है इस गर्मी के बावजूद भी। और यही वजह है कि सुबह 7 बजे से पहले ही जो लोग हैं, मतदाता हैं, वे पहुंचे हैं अपने मतदान केंद्रों पर ताकि इस ठंडे में ही वे अपने मत का प्रयोग कर सके। और कहीं ना कहीं मौसम ने भी लोगों को राहत दी है कि वे अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचे और जो उनके मत का अधिकार है उसका प्रयोग करें। आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए अलग से कतार बनाई गई है, वहीं जो युवा हैं उनके लिए भी अलग कतार लगी है। जो पुरुष वर्ग हैं वे भी अपने कतारबद्ध तरीके से इस मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे, यदि गर्मी हो यहाँ पे बढ़े तो उसके लिए यहाँ पे टेंट की भी व्यवस्था की गई है ताकि लोग गर्मी से भी राहत पा सकें और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच हर एक मतदान केंद्रों पे आप देख सकते हैं जो पुलिस के जवान हैं उनकी तैनाती की गई है ताकि भयमुक्त वातावरण में जो मतदाता हैं वे यहाँ पे पहुँच के अपने मत का प्रयोग कर सके। हालांकि दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे, यदि हर एक मतदान केंद्रों की बात करें तो कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर की गई है ताकि मतदाताओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। यहाँ पे भी जो टेंट है वो लगाए गए हैं ताकि यदि गर्मी बढ़े तो लोग उस टेंट के अंदर रह सकते हैं और वहाँ से अपने कतारबद्ध तरीके से मतदान कर सकते हैं। और कुछ जो मतदान जो मत देने के लिए यहाँ मतदाता पहुँचे हैं उनसे भी बात करते हैं। यदि इस लोकसभा चुनाव की बात करते, लोहरदगा क्षेत्र इस बार कई प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में हैं। इस बार आप लोग मत देने के लिए पहुंचे और एक सशक्त सरकार का निर्माण के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, हम लोग अपना मत का प्रयोग करेंगे और एक सशक्त सरकार का निर्माण करने में अपना भागीदारी निभाएंगे। यदि वोट की बात करें तो कितना जरूरी मानते हैं एक नागरिक, देश का नागरिक होने के नाते? देश के नागरिक होने के नाते अपना मत प्रदान हर कोई कर रहे हैं और जिनको जो समझ में आ रहा है, जिनको अपना देना है उसे दे रहे हैं, अपने अनुसार सेलेक्ट कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों को लोग। जी जी, कुछ लोग और भी हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार मत देने पहुंचे हैं जो अपना अधिकार है उसका निर्वहन कर रहे हैं? बस अपना जो अधिकार है वोट देना है देंगे। इस बार कैसा सरकार? ठीक है, अब तो सरकार चुनना है तो जैसा होगा वोट के ऊपर ही होगा, हमारा चुनने से थोड़ा चुना जाएगा। आप ही को चुनना है सरकार, आप ही का मत से सरकार बनेगा। आपके हाथ में ही वो पावर है, उसके बाद सरकार बनेगा। हाँ ठीक है, क्या कहेंगे? क्या कहे, अब हम लोग को जो काम हो हम लोग कर रहे हैं और बाकी तो ईवीएम करेगा जिसको जीताना है। हम लोग को वोट देने से भी लग रहा है कि मुश्किल है। यदि मतदान केंद्रों की बात करें तो किस तरह की इस बार सुविधा है लोगों को? मतदान केंद्र में सुविधा ठीक ठाक है, मगर बात यह है कि जो हम लोग का ये 349 है इसमें जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगर इसमें 2 लाइन रहता हम लोग का
तो उसमें आसानी होता वोट देने वालों को, समय कम लगता है। हाँ, समय कम भी लगता है, अभी आप लोगों को इंतजार करना। एक घंटा से हम लोग खड़ा है वोट देने के लिए, हो सकता है वो आधा घंटा हो जाता है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और सभी जगह देखा जा रहा है कि लोगों की संख्या काफी अधिक है, माने लोग जागरूक हैं अपने मत को लेकर। 349 में तो ज्यादा जनसंख्या है, इसी वजह से इसको तोड़ के दो भाग में बांटा जाना चाहिए। चलिए, हालांकि सुबह में शुरुआत के बाद एडजस्ट हो जाता है सारा चीज, बाकी धीरे धीरे जो काम है गति भी हो जाता है, तो आप लोग को समय अधिक नहीं लगेगा। चलिए, और आप देख सकते हैं जो दूसरी तरफ महिलाएं बुजुर्ग भी यहां पहुंची हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि एक सरकार के निर्माण के लिए इनकी जो भूमिका है वो अहम है। रही वजह है कि महिलाएं भी अपने जो बिल्कुल संदीप नजर बनाए रखिए, दोबारा लौटेंगे आपके पास और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।